हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं गेम्स HD और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम खेलने वाले एक और क्रिकेट 19 का नॉट करियर मोड, ये होने वाला है हमारा कस्टम मैचेस का एक सैंपल है। भाई साहब, मैंने आपको बोला था कि लास्ट टाइम मैं थोड़ी सी टीमें बनाऊंगा, आप मुझे टीमों के बारे में सजेस्ट कर सकते हो। तो कुछ लोगों ने मैं तो सेम वही टीम लिख दी जो भाई मैंने बनाई थी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे टीम बताओ, आपकी ड्रीम टीम, स्पेसिफिक टीम, और उस टीम का नाम क्या होना चाहिए, उसमें प्लेयर कौन से होने चाहिए, तो वो आप मुझे डिटेल में नीचे लिख के बताएं ताकि मैं समझ पाऊँ। मैंने वैसे तो बहुत सारे लोगों की, कुछ लोगों ने मुझे जो दो टीमें बताई थी, तो आज का जो मैच होने वाला है वो होने वाला है धोनी 11 वर्सेज विराट 11 में। तो इसमें कुछ एक प्लेयर मैंने जो लिए हैं, मतलब बहुत सारे मैंने कॉमन नेम देखे जो बहुत सारे लोगों ने टीम भेजा बना के भेजी थी मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने वो भी की है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड के सर्वर पे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हो, तो सो आई कैन डू दैट। तो ये आज एक सैंपल मैच है, इसके बाद फिर हम जैसी आप मुझे ये भी लिख के बताएंगे कितनी टीमें जो है मैंने ऐड करनी चाहिए, 8 टीमें ऐड करनी चाहिए। तो फिलहाल तो मैंने 2-4 टीमें ऐड की है, जिसमें एक पांड्या 11 है, एक रोहित शर्मा 11 है, देन एक धोनी 11 है और एक विराट 11 है। ये किट भी मैंने आज खुद से बनाई है, सारी किटें लोगों को सब लगाए तो मैंने जस्ट रैंडमली लगा दिए हैं। तो अगर आपके पास कोई और बेटर ऑप्शन हो या कोई बेटर चॉइस हो तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सो आई कैन इंप्लीमेंट दैट। तो ये फिलहाल तो ये एक समझ लो कि हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये बढ़िया चलता है तो फिर हम कर देंगे पूरी लीग, पूरा कप कर देंगे। तो हियर वी गो, मैच हो चुका है शुरू। धोनी 11 की बैटिंग आई है यहाँ पे और फर्स्ट बॉल डालेंगे शोएब अख्तर, और क्या बात है, शिखर धवन की पहली गेंद में कुछ ताबड़तोड़ शॉट और पहली गेंद पे 6 रन से शुरुआत की है। तो इस वीडियो को धमाकेदार लाइक भी कर देना, इस वीडियो को 300 लाइक हो जाएंगे तो भाई साहब क्या बोलेगा, क्या ही बताओ, मज़ा ही आ जाएगा। वो बहुत ही बढ़िया शॉट और 6 रन के लिए भाई गेंद। तो इसमें पूरे हाइलाइट्स हैं, सिर्फ बाउंड्रीज और विकेट हैं, बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा रखा नहीं मैंने, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था बस वही पार्ट रखे हैं। तो आप मेन फोकस कीजिए, आप पहले तो आप मुझे बताइए कि ये किट कैसे लगी आपको, जो किट मैंने बनाई है, देन आपको बताना कि प्लेयर्स कैसे लगे आपको, ये सही है कि नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। फिलहाल 4 टीमें तो हमने ऐड कर दी, लेकिन इसके अलावा कौन सी टीमें होनी चाहिए उनके नाम और उनके प्लेयर के नाम आप मुझे नीचे लिख देना। तो ये जबरदस्त शॉट था शिखर धवन का और 6 रन मिले हमको यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। और आज का जो मैच है ये 5 ओवर का मैच नहीं, ये पूरा 10 ओवर का मैच है, लेकिन इसमें सिर्फ बाउंड्रीज और इंपॉर्टेंट विकेट जो लॉस हुए हैं उसी के बारे में बताया गया। तो कोई नीचे कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना भाई कि क्या ही कर रहे हो, तो हम सिर्फ यही कर रहे हैं, हाईलाइट दिखा रहे हैं आज को भाई आपको। आई होप आप इंजॉय करोगे इस वीडियो को, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए शिखर धवन यहाँ पे, और अब जेम्स एंडरसन आया बॉलिंग डालने के लिए, देखते हैं ये कमान कर ले। और साथ में खेल रहे हाशिम आंवला, बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है भाई, टेस्ट क्रिकेट में तो लाजवाब है, लेकिन गए कुछ टाइम में भंडे बहुत अच्छे खेल रहे थे तो मुझे काफ़ी पसंद है, तो फिलहाल तो मैंने रखा है। लेकिन इस टीम में और ऋषभ पंत वगैरह भी हैं भाई नीचे, तो टीम लाइनअप तो आपने स्टार्टिंग में देख ही, लेकिन नहीं देखा होगा तो पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। ओहो, क्लासी शॉट, नो डाउट हाशिम मामला स्पेशल था। शिखर धवन के पास गेंद, लकी रहे भाई साहब यहाँ पे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बॉल, ओहो क्लासी शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, और ये जाएंगे, रोकने वाला कोई बंदा नहीं ऐसे शॉट में भाई, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बॉल, शॉट गेंद पुल कर दिया, लाजवाब शॉट, 6 रन ले जानी चाहिए। ये क्या हुआ, ओ भाई क्या ही तारीफ करूं, मतलब मैं जबरदस्त एकदम बाउंड्री पे पकड़ा भाई, गजब बॉल थी और गजब कैच था, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया, मेरी तरफ से 6 हो गए थे और शिखर धवन ने पूरे फ्लो में मारा था और वहां तक गेंद गई भी थी, पर ये बंदा कहां से पहुंच गया भाई वहां, समझ ही नहीं आया मुझे। और भाई बैटिंग करने के लिए बाबर आजम, बहुत बढ़िया क्लासिक बैट्समैन है। ओके बढ़िया शॉट, सिंगल ले लेंगे ना चाहिए भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे, एक बहुत स्टार्टिंग के ओवर में बहुत ज़्यादा रन बने लेकिन अब रन काफ़ी ज़्यादा रुक गए हैं। नेक्स्ट बॉल, ये लाजवाब शॉट, बाबर आजम के बैट से नहीं निकला है, ये निकला है हाशिम मामला के बैट से, बहुत ही बढ़िया शॉट, सुंदर शॉट भाई। नेक्स्ट बॉल और शॉट गेंद और ये कैच प्रैक्टिस, क्या ही बोलूं, मतलब ये तो अच्छा चल रहा भाई, कैच प्रैक्टिस करवा दी तुमने यहाँ पे, गलत बात है भाई साहब ये तो। और अब आए हमारे इस टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने के लिए, लेकिन आज तो प्रैक्टिस मैच है, अगले मैचेस में देखते हैं क्या होने वाला। बहुत ही बढ़िया शॉट और क्या बात है, सुंदर 4 रन धोनी सर के बैट से, पहली बाउंड्री यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन मिले भाई साहब। नेक्स्ट बॉल, ओह कड़क शॉट और ये जाएंगे सीधा 4 रन के लिए, ग्राउंड बहुत लंबा है भाई यहाँ पे इनका, तो बाबर आजम का जबरदस्त शॉट और यहाँ पे
हवाई फायर, लेकिन ये हवाई फायर मिस हो चुका है और ये जाएगी सीधे फील्डर के पास। और कप्तान की विकेट यहाँ लेते हुए काफी कैजुअल अप्रोच में बैटिंग कर रहे थे आज धोनी सर, उनको लगा कि चलो प्रैक्टिस मैच है भाई, कोई बात नहीं देख लेंगे बाद में। तो बैटिंग करने आए सुरेश रैना, जहाँ उनको चेन्नई सुपर किंग ने जगह नहीं दी लेकिन हमने जरूर दी। और क्या बात है भाई साहब, आते ही जो शॉट लगाया ना सीधे चार रन, बहुत ही बढ़िया बैटिंग। तो ये किट के बारे में बताना भाई, किट कैसी बनी है। ओ बाबर आजम के बैट से निकलती हुई और सुंदर बाउंड्री, यहाँ पे चार रन वाले होंगे टीम के स्कोर में। तो सात ओवर हो चुके हैं और 61 रन बने अभी तक। ये शॉट खराब हो चुका है और सुरेश रैना की विकेट यहाँ पे गिरते हुए, बहुत ही बढ़िया कैच, उल्टे में भागते हुए कैच पकड़ा भाई, क्या ही बताऊँ आप बताओ। और अब बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा, शॉट गेंद और दे हवाई फायर और बहुत ही बड़ा छे, बहुत ज्यादा बड़ा, क्या बात है भाई साहब, इसको बोलते हैं शॉट। नेक्स्ट बॉल फिर से इनकी रेंज में गेंद की थी और इन्होंने रेंज दिखा भी दी अपनी, कहां तक लेके जाते हैं भाई साहब। और ये छह रन और भी लें यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। नीचे के डाउन बैटिंग करने आते लेकिन बहुत ताबड़तोड़ बैट्समैन को ओपनर भी भेज सकते हैं किसी दिन। ओहो क्या बात है, इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत ही बढ़िया शॉट। नेक्स्ट बॉल और एक और सुंदर शॉट, शोरुतरी गेंद थी ये, लेकिन जडेजा ने जो है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, बहुत ही बढ़िया शॉट। ओ बॉल इस पिक किया था। नेक्स्ट बॉल, ओ क्या बात है भाई, इस पूरे मैच में पूरा मसाला देखने को मिल रहा था उनको, खेलना कहीं और चाहते लेकिन क्या ही कट हुई गेंद, जबरदस्त कट हो रहा भाई। आंद्रे रसल लास्ट बॉल और जड़ दिया इन्होंने और छह रन, रसल द मसल ने पावर दिखा दी लास्ट गेंद पर, सीधा छह रन जड़ दिया, तो अच्छा खासा टोटल कर दिया उन्होंने खड़ा। लेकिन आई डोंट नो अब ये रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं, अब देखना है। अब यहाँ पे बैटिंग करने के लिए एरन फिंच और साथ में उनके एबी डिविलियर्स, और यहाँ से ब्रैटली डालेंगे फर्स्ट ओवर, देखो अब क्या ही करते हैं। ओह जबरदस्त शॉट, ये गेंद जाएगी चार रन के लिए, छह तो नहीं हुए लेकिन चार तो आराम से जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बैटिंग दोनों तरफ, ताबड़तोड़ बैट्समैन ताबड़तोड़ बॉलर है। ओह बाउंसर डालने की ट्राई लेकिन एज लग के गेंद जाएगी चार रन के, देखना ये कंपटीशन जीतता कौन है भाई। ओह भाई साहब क्या बात, और जोरफा अक्षर डालेंगे यहाँ से गेंदबाजी, देखते हैं। बढ़िया शॉट, तड़क भड़क से लगाया इनको और ये भी जाएंगे गेंद चार रन के लिए। एरन फिंच कुछ तूफानी मूड में दिख रहा है भाई मुझे, बहुत ही बढ़िया चार रन और मिले यहाँ पे। नेक्स्ट बॉल, ये भी डिविलियर्स के बैट से निकलती हुई है बाउंड्री और चमचमाती गेंद जाएंगी सीधे बाहर दर्शकों की तरफ। ओके नेक्स्ट बॉल, ओ व्हाट अ डिलीवरी, एरन फिंच की विकेट लेते हुए ब्रैटली यहाँ पे जबरदस्त बॉल दिखा, सही और कर पड़ी थी कोई इंसिंग, वो भाई गजब जबरदस्त बॉल दी है, मानना पड़ेगा इस बॉल को तुम्हें, क्या लगता है तुमको बताना मुझे जरूर। एरन फिंच और भाई बैटिंग करने के लिए विराट कोहली इस टीम के कप्तान है, जबरदस्त बैट्समैन, कभी कुछ कर देने की हालत में। ओहो ग्रेट शॉट ड्रिवन स्ट्रेट टू द बाउंड्री, बहुत ही बढ़िया शॉट और चार दिनों ने आते ही बता दिया कि भाई ऐसा नहीं चलने वाला। ओ एक और शॉट, इस बार डिविलियर के बैट से निकलती हुई शॉट और वन बाउंस फोर। ओके नेक्स्ट बॉल, जोरफा आर्चर बाउंसर करने की ट्राई लेकिन एक पुल जड़ दिया भाई डिविलियर्स ने, और उनको ऐसी गेंद नहीं कर सकते भाई। आंद्रे रसल गेंदबाजी करने के लिए और अब देखने कितने मसल पावर दिखाते हैं, और कैच की डिमांड तो हुई है लेकिन ये कैच नहीं होगा, ये जाएंगे सीधे चार रन के लिए, बहुत अच्छे चार रन मिल चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बॉल, ये भी कैच की डिमांड थी लेकिन कैच नहीं हुआ, एक और सुंदर बाउंड्री यहाँ पे एबी डिविलियर्स, फिलहाल काफी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए। ओ ये एज भी लगाए, किस्मत भी साथ दे रही है भाई इनका, बहुत अच्छे चार रन और, ये देखो। नेक्स्ट बॉल जडेजा डालेंगे विराट कोहली को और ओ इनसाइड एज और सीधी स्टंप पे गई गेंद, ये देखो बॉल काफी बाहर थी, स्टंप पे तो जा ही नहीं सकती थी। ओ दिन खराब हो तो भाई ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर आए बैटिंग करने के लिए, बहुत ही उम्दा किस्म के बैट्समैन, और एज लगा है, क्या डिमांड किया है, 29 गेंदों में 40 रन की जरूरत है अभी यहाँ।
और जड़ दिया यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने ये शॉट और चार रन। नेक्स्ट बॉल, बढ़िया शॉट, गैप में भी है, मुझे लगता नहीं रुकेगी, चार रन के लिए जाएगी। जी हाँ, एक और सुंदर बाउंड्री यहाँ पे डिविलियर्स के बैट से। भाई यही बंदा है जो टीम को लेके जा सकते हैं। क्या गया, 17 गेंदे 28 रन। और निक श्रेयस अय्यर का विकेट लेते हुए यहाँ पे रविंद्र जडेजा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और साथ में उतनी ही जबरदस्त कीपिंग, कैच छोड़ने कोई संभावना नहीं थी और लपक लिए गए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। रिव्यू लेके कोई फायदा नहीं भाई, रिव्यू वेस्ट ही होगा तुम्हारा, तो डोंट टेक रिव्यूज। और जब MS धोनी ने डिसाइड कर दिया कि भाई आउट ही है तो फिर कुछ सवाल ही नहीं उठता। बहुत अच्छा कैच। अब बैटिंग करने के लिए आए शाहिद अफरीदी। ओह क्या बात है, शाहिद अफरीदी वही रंग में बैटिंग कर पाएंगे, देखना पड़ेगा। ओ भाई जड़ दिया है यहाँ पे, चार रन मिलेंगे, 12 गेंदे 25 रन, 7 गेंदे 17 रन। और अफरीदी के बैट से निकलती हुई एक और सुंदर बाउंड्री, 4 रन और मिलेंगे यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, 5 गेंदे 12 रन भाई। और ये हवाई फायर और ये भी गेंद जाएगी 4 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट भाई। मैच में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रहा है, 4 गेंदे 8 रन। और ये हवा में उठा दिया है और काफ़ी नीचे ये गेंद, मुझे लग रहा फील्डर्स के नीचे, और जी हाँ विकेट मिल चुकी है। अब मैच में थोड़ा चेंज, रशीद ने ले लिया विकेट, क्या बात है। और अब आए जॉनी बेस्टो बैटिंग के लिए, बैट्समैन बहुत है भाई इनके पास, फिर से सेम गेंद सेम शॉट और फील्डर फिर से मौजूद है पीछे, कई बार भी कैच होगा या अच्छे होगा देखना पड़ेगा। ओह पैर लग गया भाई इसका, शिट, एक बॉल 2 रन। और जॉनी बेस्टो ने जो फेमस है और एक रन ले लिया, मुझे लग रहा है मैच टाई हो चुका है। लो भाई सुपर ओवर भी देखने को मिलेगा तुमको आज, बताओ, प्रैक्टिस मैच में सुपर ओवर भी देखने को मिलेगा तुमको, और क्या ही चाहिए तुमको इस मैच में। और ये भी डेविलियर्स बैट पर ब्रेट ली डालेंगे गेंद, पहली गेंद पे जड़ दिया है भाई साहब, खराब गेंदबाजी और 4 रन पहली गेंद पे, बहुत ही बढ़िया बैटिंग। नेक्स्ट बॉल और एक और सुंदर शॉट, ये भी जाएंगे 4 रन, मुझे लग रहा है पिछली इनिंग का बदला ले रहे हैं भाई साहब। ये एरन फिंच को बोल्ड कर दिया था ब्रैटली ने, लेकिन इस बार एरन फिंच कुछ अलग ही मूड में और किस्मत भी साथ दे रही है, और एज लग के एक और सुंदर बाउंड्री यहाँ पे, और एक और सुंदर शॉट, एक और बाउंड्री, और 17 हो चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट बॉल, और लास्ट बॉल पे भी जड़ दिया उन्होंने, क्या बात है, मतलब ब्रैटली साहब ने कितनी बाउंड्रीज खा ली है क्या ही बताए मैं आपको। तो अच्छा खासा बड़ा तगड़ा स्कोर दिया, और महेंद्र सिंह धोनी आए बैटिंग करने के लिए, सारा खेल है महेंद्र सिंह धोनी पे, अगर वो बना लेते हैं और शोएब अख्तर डालेंगे गेंदबाजी, काफ़ी तेज तरार गेंदबाज। और पहली गेंद पे जड़ दिया शॉट और यहाँ मिलेंगे 6 रन, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया पहली गेंद फेस की, और 6, ये गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है, 5 गेंदे 4 गेंदे 16 रन। ओहो लाजवाब शॉट भाई, सामने का ग्राउंड बहुत बड़ा है तो यहाँ 6 तो नहीं मिलेंगे 4 ही मिलेंगे, थोड़ा नुकसान होगा ऐसा लग रहा है मुझे। और एक जो सेकंड बॉल मिस हो गई थी ना, वो बहुत गलत हो गई थी भाई। नेक्स्ट बॉल, बहुत ही बढ़िया शॉट फिर से, और यहाँ पे एक और सुंदर बाउंड्री, 4 रन और मिलेंगे, लाजवाब बैटिंग फिलहाल तो चलते हुए इनकी तरफ से, 2 गेंदे 8 रन। ओ भाई यार ये क्या मिस हो गया, अब ये मैच गया, अब कोई मतलब नहीं है। ओह कम ऑन, चलो कोई बात नहीं, क्रिकेट है कभी कभी हो जाता है यार। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे MS धोनी और काफ़ी ज़्यादा रन निकाल भी दिए थे उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एंड नहीं कर पाए पाए इस मैच का, लेकिन कोई बात नहीं, मैच बहुत बढ़िया हुआ। तो अब मुझे आप लोगों ने बताना है भाई साहब कि क्या सीन है, धोनी एक्सेल नहीं है भाई, ये कुछ नहीं स्प्रिंट हो गया वहाँ, पता नहीं क्यों है, वो देखेंगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।